प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को एक पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर की 40 वर्ष के व्यक्ति की हत्या। दोनों आरोपी हत्या के बाद अपनी कार की डिक्की में शव लेकर पुलिस थाने पहुंचे। घटना कातारा हिल्स इलाके में हुई। पत्नी और उसके प्रेमी ने कथित तौर पर मृतक को नींद की गोलियां खिलाई और डंडों से पीटा। पुलिस ने बताया कि पीड़ित को अपनी पत्नी के अवैध संबंध के बारे में पता चला और उसने अपनी पत्नी को रोकने की कोशिश की, जिसके कारण दंपति के बीच कई विवाद हुए। आरोपी शव को ठिकाने लगाना चाहते थे, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि पुलिस से बचना मुश्किल होगा, इसलिए शव को कार की डिक्की में बोरे में भरकर कातारा हिल्स पुलिस थाने ले आए। इस घटना के बारे में हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।